एक तरफ हिमाचल प्रदेश में मौजूदा जयराम सरकार 4 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार हमलावर है। नाहन में आज पूर्व मंत्री व हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 4 साल के कार्यकाल में जयराम सरकार हिमाचल में विकास कार्य को करवाने में विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज व धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र तक विकास कार्य करवाने में सीमित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीधे तौर पर यहां भ्रष्टाचार से भी समझौता किया जा रहा है। कौल सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, तब तब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो जयराम सरकार है, 4 साल में पूरी तरह विफल रही है और 4 साल में सरकार में विकास के काम सारे ठप कर हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में आई, जब जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, विकास के काम थोक में हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। चाहे सिरमौर की बात है, पूरे हिमाचल प्रदेश को हम एक नज़र से देखते थे। जहाँ तक वर्तमान मुख्यमंत्री है, उससे तो कहते हैं मंडी का मुख्यमंत्री है, मंडी का मुख्यमंत्री है, मंडी जिले को भी नज़रअंदाज किया अपनी चुनाव कंस्टिट्यूंसी और एक धर्मपुर, दो कंस्टिट्यूंसी जो दो मिनिस्टर दो नंबर के हैं उनको रहे। भ्रष्टाचार से कदम कदम के समझौता हो रहा है, विकास के काम ठप पड़े हैं। 4 साल में जयराम सरकार ने, भाजपा सरकार ने लोगों को हताश किया, मायूस किया, निराश किया और लोगों ने मन बनाया है कि अगली बार जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्हें मंडी संसदीय उपचुनाव में और 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी समर्थन दिया है। उसके लिए मैं उनका भारी हूँ। वो भी इसलिए दिया है, उस वक्त मतदाताओं ने बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, विकास के काम ठप पड़े हैं उसके खिलाफ और जो किसानों के 3 काले कानून बनाए थे उसके खिलाफ वोट दिया और मोदी सरकार को एक झटका दिया। और आप जानते हैं इन चुनाव के रिजल्ट के बाद, हिमाचल के चुनाव के रिजल्ट के बाद मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें एकदम कम कर दी, किसानों के 3 काले कानून वापस ले लिए और ये भी कहा कि महंगाई पर हम नियंत्रण करने के लिए कदम उठाएंगे। लेकिन भाग्यवश कोई कदम आज तक नहीं उठाया है, महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है। अब इनको तो सही में नवंबर 5-6 महीने रह गए, उसके बाद तो लोग कहेंगे गई सरकार, गई सरकार, गई सरकार। इन बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पे जो अगले चुनाव होंगे विधानसभा के, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और सत्ता में भी 3/4 बहुमत से आएगी, क्योंकि लोगों ने मन बनाया है इस सरकार को उठाने का।